नाजरीन एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें, दीरबाला में एक घर जलकर राख हो गया है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे बख्त मुनीर से बात करेंगे। जी बख्त मुनीर, क्या अपडेट्स हैं? जी नाजरीन, मैं बख्त मुनीर और 94 न्यूज़ के साथ अपर दीर के इलाका उसी तरह अचर गाँव सब खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आपको पता है कि आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले बारिश भी हुई थी। उस बारिश की वजह से मुख्तलिफ जो इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर बर्फबारी हुई थी। उस बर्फबारी की वजह से यहाँ पर जो कच्चे मकानात थे वो भी गिरने के काबिल थे, लेकिन यहाँ पर एक मकान है जो कल में जुमेरात के रोज़ यहाँ पर उस घर में दिन के वक्त 11 बजे आग लगी थी, जिसकी वजह से वो घर पूरी तरह जलकर खस्तर हो गई है। अभी इस वक्त हमारे पास उस घर के जो मालिक है उससे हम बात करते हैं कि वो अपने इस घर के बारे में क्या कहते हैं, इसका कितना नुकसान हुआ है और क्या इंतजामिया ने अभी तक इसके बारे में पूछा है या नहीं पूछा है। तो अभी आपसे उनसे मुलाकात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा जी, आप मुझे पहले सबसे अपना नाम बताइए। मेरा नाम पास मोहम्मद है। सबसे पहला तो मैं 94 न्यूज़ का और खुसूसी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए हमारा पूछा। ये हमारा घर है, इसमें जुमरात वाले दिन आग लग गई थी, तो इसमें जो भी कुछ सामान था वो जलकर खाकस्तार हो गई। खुले आसमान तक अब हम ज़िंदगी बसर कर रहे, तो ना हमारे पास अब कोई रकम है कि हम दोबारा इसको बनाए। ज़िला इंतज़ामिया से, सूबाई हुकूमत से हम उम्मीद का अपील करते हैं कि वो हमारा गाय यहाँ पे हमारा पूछे और दोबारा ये घर हमें रिन्यू करा के दे। जब से घर जल गई है तो उस वक्त से लेकर आज तक ये तीसरा दिन है। आप कहते हैं कि 3 दिन हो गए कि यहाँ पर जिस घर में आग लगी थी, तो अभी तक इंतजामिया की तरफ से कोई भी आदमी आपके लिए पूछ नहीं आया? किसी ने सर यहाँ पे आके ना हमारा पूछा, ना कोई टेलीफोनी रब्ता किया, कोई आया ही नहीं, ना ज़िला इंतज़ामिया आया, कोई भी बड़ा बंदा लाचार जो सरकारी अफसरान है वगैरह कोई भी यहाँ पे नहीं आया, किसी ने रब्ता नहीं किया है, ना हमारा हाल पूछा है कि बच्चे जो है हमारे वो खुले आसमान तक अब ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है। तो हम अल्लाह काम से दोबारा मैं कहता हूँ कि मैं अपील करते हैं, मुतालबा करते हैं कि वो हमारा इमदाद करें। जी ना, ये थे जनाब पास मोहम्मद भाई कि वो कह रहे हैं कि आज से 3 दिन पहले हमारे घर में दिन के वक्त जो आग लगी थी, जिसने पूरे घर को अपने लपेट में ले लिया और फिर सारा घर जलकर खाकस्तर हो गया। उनका कहना है कि 3 दिन हो गई, अभी तक इंतजामिया ने हमें हमारे साथ कोई रब्ता नहीं किया, न यहाँ पर आए। उनका कहना है कि यहाँ पर हमारे घर में जो लाखों रुपये का सामान था वो भी जलकर खाकस्तर हो गया है, यहाँ पर जानवरों को भी हेवी नुकसान पहुँचा है। अब हमारे बच्चे जो है वो कुल आसमान तल है, ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है। उनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत है, चाहे मरकजी हुकूमत हो, चाहे सूबाई हुकूमत हो, दिल्ली इंतजामिया हो, हम उनसे मुतालबा करते हैं कि वो मेहरबानी करके हमारे हाल पर रहम करे, हमारे घर का जायजा लें और हमारे होने वाले नुकसान का अदारा करें। बख्त मुनीर, 94 न्यूज़, दीरा पर।